अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ मूली की खट्टी सब्ज़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत आसान है बनाने में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले यहाँ पर मैंने पैन में 1 कप ऑयल लिया है, जिसमें हम मूली को फ्राई करेंगे। ऑयल गरम हो चुका है। ये 1 kg मूली मैंने ली है, जिसे मैंने अच्छी तरह से धो के कट किया है, और अब हम इसे ऑयल में ऐड करेंगे फ्राई होने के लिए। ऑयल ज़्यादा भी गरम नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ ये जल्दी जल जाती है। हमें इन्हें मीडियम हाई हीट पे फ्राई करना है। आप अगर इनको हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे, इनका जो कलर है जल्दी चेंज होगा और वो कलर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। देखिए, ये हल्की सी फ्राई हो रही है। देखिए, अच्छी तरह से ये फ्राई हो गई है और यही कलर हमें इनका चाहिए था। और अब हम इन्हें निकाल के एक प्लेट पे रखेंगे। अब यहाँ पर मैंने एक पैन ली है, जिसमें मैं ये फ्राई की हुई मूली ऐड कर रही हूँ। इसी के साथ मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। 2 बड़ी इलायची, 4 से 5 दाने काली मिर्ची के, 1/2 टुकड़ा दालचीनी का, 2 लौंग, 2 इलायची, 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 1/2 टीस्पून सौंफ का पाउडर, 1/2 टीस्पून अदरक का पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी का पाउडर, रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून। आप चाहे तो अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा भी इसमें ऐड कर सकते हैं या कम। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, कुटा हुआ गार्लिक। अब मैं इसमें इमली का पानी ऐड करूँगी। मैंने 70 ग्राम इमली ली थी, जिसे मैंने 500 ml वाटर में सोक किया था 1 से 2 घंटे तक, और वो पानी फिर मैंने छान लिया था, वही मैंने इसमें अब ऐड किया है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और हाई फ्लेम पे इसे हम पकाएंगे 1 से 2 मिनट तक, जब तक इसमें उबाल आ जाए। देखिए, उबल रहा है। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अनियन पेस्ट। 1 लार्ज साइज़ अनियन को मैंने फ्राई किया था और फिर उसका मैंने पेस्ट बनाया था, वो ऐड किया है। 1 टेबलस्पून घी। और अब मैं इसे बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पकाऊंगी, जब तक मूली जो है अच्छी तरह से सॉफ्ट ना हो जाए और ये जो ग्रेवी है गाढ़ी ना हो जाए। अब हम इसको ढक के पकाएंगे बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। देखिए, 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक करेंगे मूली सॉफ्ट हो चुकी है कि नहीं। देखिए, ग्रेवी जो है बिल्कुल गाढ़ी हो चुकी है। और ये जो मूली है बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। और अब हम करेंगे गैस को बंद और इसको ढक के रखेंगे 1 से 2 मिनट तक। उसके बाद हम इसे करेंगे सर्व। देखिए, मूली की खट्टी सब्ज़ी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो, मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।